ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एंड स्क्रीन के। जब यूजर आपकी एंड स्क्रीन पे आता है, आखिर के 10 सेकंड में उसे अगर ये वीडियो अच्छा दिखता है, इसका थंबनेल अच्छा है, तो वो इस पर क्लिक करेगा। या इसका टाइटल भी अच्छा है, जो आपको जो यूजर को पसंद है उसके टॉपिक से रिलेटेड है, तो जरूर इस पे क्लिक करेगा, इस पे क्लिक करेगा। अगर वो सब्सक्राइब करना भूल गया आपके चैनल को, तो यहाँ पर उसे ये सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके भी वो सब्सक्राइब कर सकता है आपके चैनल को। तो ये इतने सारे बेनिफिट होते हैं एंड स्क्रीन के और इन्फो कार्ड के, जो आप लोग अगर नहीं ले रहे यूट्यूब से, मतलब आपको यूट्यूब ने टूल प्रोवाइड किया है कि आपको कैसे ग्रो करना है, आपके चैनल को सब्सक्राइबर कैसे लेना है, व्यू कैसे बढ़ाना है, फिर भी आप यूज नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी फॉल्ट है। इसे फौरन इस्तेमाल करना आप चालू कर दें, तो इससे आपको बेनिफिट होगा ये सारे ऑप्शन यूज करने से। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे कहते हैं एंड स्क्रीन। यूट्यूब में एंड स्क्रीन क्या होता है, इसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। और इस फंक्शन को या इस फीचर को यूज करके आप आपके वीडियो के व्यूज बढ़ा सकते हो, या नए वीडियोस पे आपके सब्सक्राइबर को डाइवर्ट कर सकते हो, उन्हें इंटरेक्ट कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक वीडियो में आप 5 वीडियोस को कैसे प्रमोट करोगे, इन्फो कार्ड कैसे ऐड करोगे 30 सेकंड पे, 1 मिनट पे, 1.5 मिनट पे, जैसे भी आपको टाइम सुटेबल लगता है आप इन्फो कार्ड ऐड कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इससे आपके वीडियो के व्यूज बढ़ेंगे और आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो आपको जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एंड स्क्रीन की, जैसे आपने बहुत से वेब सीरीज देखे होंगे, कुछ सीरियल देखे होंगे या कुछ मूवीज देखे होंगे, इसके एंड में क्या होता है कि जहां पर भी ये वेब सीरीज का एपिसोड एंड होता है, वो एक क्लाइमेक्स ऐसा छोड़ जाता है जहां पे सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, आप उसे अगला एपिसोड देखने के लिए वेट करते हो, और अगले एपिसोड का ट्रेलर भी उसमें बता दिया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे शॉर्ट्स बताए जाते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसको आप देखना चाहते हो, तो आप अगला एपिसोड उसका देखते हो। तो वैसे ही कुछ होता है यूट्यूब का एंड स्क्रीन, जिसे टीजर कहते हैं। यूट्यूब के आप टर्म में अगर देखोगे तो उसका भी एनालिटिक्स आपको यहीं पे देखने को मिलता है, जहां पे इंटरेक्शन, यूजर का इंटरेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, वहीं पर आपको जो एंड स्क्रीन है इसका भी आपको एनालिटिक्स चेक करने के लिए मिलता है। तो जो लोग आपकी वीडियो एंड तक देखते हैं, एंड जब वीडियो एंड होती है तो आखिर के जो 10 सेकंड और 15 सेकंड का टाइम आप इसमें सेट कर सकते हो एंड स्क्रीन के लिए, और वहां पर आप आपकी जो पहली वाली वीडियोज है, जो सबसे ज्यादा चली हुई वीडियो है, या जो वीडियो आप दिखाना चाहते हो एंड में यूजर को, उसका आप थंबनेल वहां पर शो कर सकते हो। उस थंबनेल पर क्लिक करके यूजर आपकी जो पिछली वीडियोज है वो देख सकता है। हो सकता है कि वो आपके चैनल के वीडियो लिस्ट में गया नहीं हो, या आपकी वीडियो लिस्ट बहुत बड़ी हो, जिससे उसे सर्च करने में, उसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्च करने में, या उससे रिलेटेड वीडियो सर्च करने में उसे प्रॉब्लम हुई हो। तो बहुत से लोग जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं उन्हें पता नहीं होता इतना ज्यादा, वो आपकी प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे, वो आपके वीडियो लिस्ट में नहीं जाएंगे, वो या तो नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो प्ले करके देख लेंगे, या वीडियो स्क्रॉल में आपको फीड में दिख गया उनको तो वो देख लेंगे। तो जब वीडियो एंड तक जाता है तो एंड में उन्हें अगर दिखता है कि भाई ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, थंबनेल इंटरेस्टिंग है, या उसका टॉपिक इंटरेस्टिंग है, तो जरूर वो उसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। इसका भी जो एवरेज रेट है यूट्यूब की तरफ से कि भाई 5% रेट है, अगर 100 लोग आपके एंड स्क्रीन तक जाते हैं तो उसमें से 5 लोग आपके एंड स्क्रीन पर क्लिक करके जरूर आपका पिछला वीडियो देखेंगे। तो फ्री में आप 5 से 10% आपका जो इंटरेक्शन है यूजर के साथ, वो इंटरेक्शन बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको ये लाइव बताऊंगा कैसे आप इसको ऐड करेंगे एंड स्क्रीन को आपकी वीडियो में। तो फ्रेंड, ये ऑप्शन यूज करने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए। आप लैपटॉप पर अगर यूज कर रहे हो तो ब्राउजर आपके पास होगा ही डेफिनेटली। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करो, उससे आप आपकी वीडियो अपलोड करो, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा वीडियो अपलोड करते टाइम पर। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लाइव डेमो स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर एक दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसके लिए हम एंड स्क्रीन यहाँ पर ऐड करेंगे इस वीडियो में। मतलब जब वीडियो एंड होगा तो वहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपके वीडियोस आ सकते हैं, और आपका सब्सक्राइब का बटन भी वहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, एंड स्क्रीन के जो बेनिफिट है वो भी मैं आपको साथ ही साथ इसमें बता दूंगा कि एंड स्क्रीन की वजह से आपको जो फायदा होने वाला है वो क्या है। ये वीडियो प्रोसेस हो चुका है 95%, जैसे ही ये 100% कम्प्लीट हो जाता है हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए, ये फिनिश हो चुका है इसका प्रोसेसिंग। अब ये हमारा वीडियो आ गया है 37 सेकंड का मैंने वीडियो यहाँ पे आपको ट्रायल के लिए बताया है। और यहाँ पर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वीडियो एलिमेंट का, ये ऑप्शन में हमको जाना है। यहाँ पर एंड स्क्रीन हम ऐड करने वाले हैं, तो एंड स्क्रीन के आगे जो ऐड का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, जो यूट्यूब की तरफ से रेडीमेड टेम्पलेट्स है, जिसमें आप एक वीडियो और एक सब्सक्राइब बटन ले सकते हो, या इस तरीके से कुछ ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे जितने चाहिए वीडियो
उतने वीडियो और सब्सक्राइब बटन आप यहाँ पे ले लें। मोस्टली बहुत से लोग ये वाला यूज करते हैं, इसमें दो वीडियोज होते हैं आपके और एक सब्सक्राइब बटन होता है, तो ये आपने ऐड कर दिया। आप ये जो यहाँ पर जो वीडियो दिखेगा इस विंडो में, जो पहली वाली विंडो में यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ व्यूअर, मतलब जो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है वो वीडियो यहाँ पर दिखेगा। मैंने यहाँ पे इसको ऑप्शन सेट कर रखा है, ये मेरा डिफॉल्ट ऑप्शन है कि जो वीडियो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है उसे यहाँ पे रिकमेंड करें फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद ये जो दो नंबर का ऑप्शन है ये आपका सब्सक्राइब बटन होता है कि भाई इस पर जो भी क्लिक करता है तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन पे आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये बेस्ट ऑफ यू वाला वीडियो है। उसके बाद ये जो थर्ड विंडो है आपका, जिसमें दूसरा वीडियो या प्लेलिस्ट आपकी आएंगी, मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट सेट कर रखा है, तो आप इसको प्लेलिस्ट की बजाय यहाँ पर आप चाहते हो कि भाई इसको वीडियो मिले तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। प्लेलिस्ट की जगह यहाँ पे आप प्लेलिस्ट इसको डिलीट करके यहाँ से नया एलिमेंट आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो, या तो आप वीडियो कर सकते हो या आप चैनल की लिंक जो भी आपको डालना है आप यहाँ पर वो ऑप्शन डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एंड स्क्रीन के। जब यूजर आपकी एंड स्क्रीन पे आता है आखिर के 10 सेकंड में, उसे अगर ये वीडियो अच्छा दिखता है, इसका थंबनेल अच्छा है तो इस पर क्लिक करेगा, या इसका टाइटल भी अच्छा है जो आपको जो यूजर को पसंद है उसके टॉपिक से रिलेटेड है तो जरूर इस पर क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करेगा। अगर वो सब्सक्राइब करना भूल गया आपके चैनल को तो यहाँ पर उसे ये सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके भी वो सब्सक्राइब कर सकता है आपके चैनल। तो ये इतने सारे बेनिफिट होते हैं एंड स्क्रीन के और इन्फो कार्ड के, जो आप लोग अगर नहीं ले रहे यूट्यूब से, मतलब आपको यूट्यूब ने टूल प्रोवाइड किया है कि आपको कैसे ग्रो करना है आपके चैनल को, सब्सक्राइबर कैसे लेना है, व्यू कैसे बढ़ाना है, फिर भी आप यूज नहीं कर रहे हो तो ये आपकी फॉल्ट है। इसे फौरन इस्तेमाल करना आप चालू कर दे तो इससे आपको बेनिफिट होगा ये सारे ऑप्शन यूज करने से। तो ये यहाँ पर मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ, मैंने आपको सैंपल के लिए ये वीडियो अपलोड किया था। सेम इसी तरह अगर आपका पुराना कोई वीडियो है, ओल्ड वीडियो जिसमें आप एंड स्क्रीन ऐड करना चाहते हो, तो आप उस वीडियो पे एडिट पे क्लिक करें, एडिट के बटन पे क्लिक करें। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है एंड स्क्रीन का, आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन का ऑप्शन वापस से खुल जाएगा। यहाँ पे आप वापस से आपका एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हो, जो आपको ऐड करना है वो आप टेम्पलेट के थ्रू ऐड कर सकते हो, उसमें आपको प्लेलिस्ट ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, वो आपकी मर्जी, जो सबसे बेस्ट हो, जो यूजर को पसंद आए ऐसा ऐड करो। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो वीडियो आपको यहाँ पर बताया गया, जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको इन्फो कार्ड का यहाँ पर मैंने बताया है, आप उसे जरूर आपके यूट्यूब चैनल के वीडियोज में जरूर यूज करोगे। और अगर आप आपके पुराने वीडियोज में यूज करना चाहते हो तो भी आप इसे कर सकते हो, उसमें आप एडिट के ऑप्शन में जाकर। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, Facebook पेज पर आप मैसेज कर सकते हो, Instagram पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।